ऑपरेशन लॉन्च हुआ था जिसमें फायर फाइट थोड़ी देर के लिए चली थी और उसके बाद वहाँ से टेरेस निकल पाए और तब से लेकर के उनकी तलाश थी। उसी तलाश की कड़ी में ही आज कुछ एक जगहों पे नाके रखे गए थे। कुछ एक खबर थी कि इनकी मूवमेंट किसी गाड़ी में होने वाली है। नाके ने जब चेकिंग के लिए गाड़ी को इशारा दिया रुकने का, तो वहाँ से गाड़ी से जंप करके फेर करके भागने की कोशिश की गई और जवाबी कार्रवाई में दोनों दहशतगर्द मारे गए हैं। दोनों पुलवामा ज़िले के रहने वाले हैं और दोनों का संबंध जो है वो लश्कर तैयबा जो है तंजीम के साथ है। इनकी मूवमेंट क्योंकि बड़गाम की तरफ से इस तरफ शहर से थी, तो ये श्रीनगर शहर में आ रहे थे, आगे किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, जा रहे थे। ये पार्ट तो तफ्तीश का हिस्सा है, मगर ये अपनी पुरानी जो इनकी हाइड आउट है उसको छोड़ के किसी नए हाइड आउट की तलाश में मूव कर रहे थे। सर, दो इवेंट्स जहाँ के अरेंजमेंट्स का ताल्लुक है, हम लोग अभी पुलिस कंट्रोल रूम में सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग करके आ रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एसपी शामिल थे, रेंज डीआईजी शामिल थे, उसके अलावा डिशन डीजी हमारे विजय जी से, बाकी जो यहाँ के फील्ड ऑफिसर हैं वो शामिल थे। सुरक्षा की दृष्टि से जो भी ज़रूरतें हैं उनका पूरा इंतजाम किया जा रहा है और रिपब्लिक डे का फंक्शन बहुत अच्छे से सब जगह पर कंडक्ट किया जाएगा जैसे कि हमेशा किया जाता है, और बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत के साथ हम उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे इंतजाम बड़े कामयाब तरीके से होंगे। दूसरी जो यात्रा का आपने जिक्र किया, वो यात्रा पंजाब से होकर के जे एंड के में कल परसों तक दाखिल होने वाली है। उसके कुछ दिन का पड़ाव जम्मू के लगभग जिलों में है और उसके बाद कश्मीर की वैली में वो दाखिल होंगे। तीन चार दिन का जो उनका हिस्सा है वो कश्मीर की तरफ होगा, उसके ऊपर भी चर्चा हुआ है। सुरक्षा की जितनी ज़रूरतें हैं उनके मुताबिक हर जिला के लेवल पर, रेंज के लेवल के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और हम लोग जो भी इनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उनको मुकम्मल तौर पर करेंगे। चीज़ें अच्छे से रेगुलेट की जाएंगी क्योंकि ट्रैफिक भी चलती है, बाकी चीज़ें भी हैं, और जो बड़ी यात्राएं हैं उनमें लोगों को असुविधा होती है, सड़क ब्लॉक हो जाती है, बड़ी चीज़ें हैं। अब क्योंकि ये यात्रा है इसमें कुछ पैदल कुछ गाड़ी दोनों तरह के तरीके का इस्तेमाल होता है, हम लोग की कोशिश रहेगी कि जो सिंगल रोड्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो सकती है उसमें गाड़ी में सफ़र किया जाए, और जो बाकी जगह हैं उनको एडवाइस किया जाए कि कुछ एक जगह पे जहाँ अलाउ करती है रोड वहाँ पर पैदल चला जाए। बाकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जो जरूरतें होंगी उसके मद्देनज़र भी उनको गाइड किया। कुछ गाड़ी दोनों तरह के तरीके का इस्तेमाल होता है, हम लोग की कोशिश रहेगी कि जो सिंगल रोड्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक जो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो सकती है उसमें गाड़ी में सफ़र किया जाए, और जो बाकी जगह हैं उनको एडवाइस किया जाए कि कुछ एक जगह पे जहाँ अलाउ करती है रोड वहाँ पर पैदल चला जाए। बाकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जो जरूरतें होंगी उसके मद्देनज़र भी उनको गाइड किया। दहशत गर्दी जो जम्मू कश्मीर और भारत के अलग अलग खित्तों में लंबे अरसे से सरहद के पार से चलती है, उसमें कुछ नुमाया किरदार अदा करने वाली करेक्टर जो काफ़ी हद तक मुल्की सतह पर और गैर मुल्की सतह पर और इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम हो चुके हैं, दुनिया की सतह पे लोग उनको जानते हैं कि उनकी क्या करतूतें हैं, उनका क्या प्रोफाइल है। धीरे धीरे ऐसे लोग जो जहां जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं या जम्मू कश्मीर के बाहर बाकी जगहों पे दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं, उनको टाइटन अप करने की प्रक्रिया इस वक्त जारी है, जिसके तहत जो लोग दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल हैं किसी भी तरह से उनको डिजिटल तौर पर दहशतगर्द नोटिफाई करने की कार्रवाई चल रही है। इससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, दुनिया की नज़रों में आदमी का प्रोफाइल पता चलता है, और जो अलग अलग लवा जगहों पे जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो काउंटर टेररिज्म के फ्रंट पे काम करते हैं, जो टेररिज्म के खिलाफ जो है वो अलग अलग तरह के मुल्कों के गुट हैं, मुल्कों की जो ग्रुप्स हैं जो काम करते हैं, उन तक इनके प्रोफाइल और इनकी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जाती हैं, जिससे इनको और नकेल कसने में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में फायदा होता है। काफ़ी पेशरफ्त हुई उस केस में, हालांकि जो एरिया है वो जंगल के आसपास होने के चलते चार बार ऑपरेशन लॉन्च किए गए और बार बार वहाँ पर जो साइटिंग होती है उसमें अभी कामयाबी हासिल नहीं हुई, हालांकि अलग अलग तरह उनकी मूवमेंट जो है ट्रैक की जा रही है। तफ्तीश के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा सॉलिड क्लूज उसमें आए हैं, काफ़ी लोग जो उनके साथ कॉन्टेक्ट में आए उनकी डिटेल भी अवेलेबल है, उनको केस के अंदर पूछताछ के लिए लाया भी गया है और ज़रूरत के मुताबिक गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी।
वो कार्रवाई जारी है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कामयाबी होगी।